पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनवाते हैं। एक लिए जब विधानसभा में बोल रहे थे तब भी मैंने इनको देखा, आज से लगभग 1.5 वर्ष पहले और आज ही मैं देख रहा था। बिल्कुल इन अंतर आत्मा की आवाज से लगातार किसानों के लिए काम करने वाले हमारे उत्तराखंड सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी और इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित है इस क्षेत्र के किसानों के बीच में, नौजवानों के बीच में, मजदूरों के बीच में लगातार काम करने वाले हमारे रायपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा हमारे गांव भाई, कृषि विभाग के सचिव तो चले गए शायद, अपर सचिव कृषि श्री सर्वधवन बनर्जी जी, हमारे प्रेमचंद शर्मा जी, आज जिनकी पुस्तक का हम लोगों ने अभी यहां पर विमोचन किया, बहुत अच्छी पुस्तक उन्होंने लिखी है, कृषक समाज सेवी लेखक विजय जड़धारी जी, हमारे हसार विश्वविद्यालय के कुलपति श्री कर्नाटक जी, निदेशक कृषि अपर निदेशक कृषि डॉक्टर तिवारी हरसार यूनिवर्सिटी से केवीके वैज्ञानिक बीपीकेएस वैज्ञानिक मिस्टर प्रणव सिन्हा जी, वार्ड फूड से अन्य मिलेट एक्सपर्ट हमारे अमृत नागर जी, हमारे बहुत पुराने साथी कई साल पहले जो है जिनको मैं सन 2000 से जानता हूं, और मंच पर उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण, और आज जिनके निमित्त ये पौष्टिक अनाज महोत्सव यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, ऐसे हमारे सभी किसान भाइयों एवं बहनों, हमारे पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, आज निश्चित रूप से पौष्टिक अनाज वाली फसलें यथा मंडवा, झंगोरा, रामदाना, तोड़ी, गहर आदि पुरातन काल से परंपरागत रूप से ये उगाया जाता रहा है। विषम जलवायु परिस्थितियों में इनकी उपयोगिता के कारण यहाँ 12 अनाज के रूप में भी ये प्रचलित है। एक समय था, मैं देखता था जब मैं, क्योंकि मैं भी किसान परिवार में पैदा हुआ हूं और आज भी छोटी सी किसानी मेरे नाम पर भी है, तो मैं आपको बचपन की बात बताऊं, बहुत जब कहीं पर ये गेहूं का आटा, गेहूं की रोटी, ये थोड़ा ऐसा था कि जो ग्रामीण प्रदेश था उसमें थोड़ा जो संपन्न परिवार होते थे उनको तो ऐसा मिलता था, नहीं तो जो आजकल बड़े मुश्किल से जो है, आजकल मड़वे की रोटी अब बड़े बड़े लोग भी जो है उसकी डिमांड कर रहे हैं, उस समय मड़वे का फाड़ा बनाया जाता था, अब पूरा जो है भदेले में, भदेला बोलते हैं ना आप लोगों में से पता नहीं कितने लोग जानते हैं भदेला, जो कढ़ाई होती है बड़ा, मैंने खुद देखा है, मुझे याद है मैं 4 साल 5 साल का 6 साल का रहा हुआ, और 4 साल 5 साल का जब मैं था तो उस समय की बातें मुझे अभी तक याद है। अब इधर के दिनों में जो हमारे यूनिवर्सिटी के मित्र थे या यूनिवर्सिटी के बाद वाले थे, कल्थ तक जो साथ में पढ़े, कल्थ से पहले वाले, मेरे ख्याल से उस समय थोड़ा व्यक्ति की जो स्मरण शक्ति होती है थोड़ा और ज्यादा तेज होती है, कक्षा 4 में 5 में 6 में जो जानी थी, हाँ, तो जैसे जैसे वो बीए एमए या उससे आगे जाते हैं तो धीरे धीरे वो स्मरण शक्ति थोड़ा सा कम होती जाती है, तो उस समय का मुझे याद है कि पूरे भदेड़े में जो है मड़वे का जो फाड़ा बनाया जाता था, फिर कहते थे पूरा फाड़ा खा लो पेट भर के जो है, बढ़िया, हाँ, तो उस तरीके का समय देखा हमने कि मजबूरी में लोग मड़वा खाते थे, और आज यही सब अनाज हमारे लिए जो है ये पौष्टिक आहार भी बन गए हैं, और वो बहुत सारी बीमारियां हैं इसमें, प्रोटीन है, कैल्शियम है, फाइबर है, खनिज है, ये सारे विटामिन इसमें पाए जाते हैं,
जो गेहूं और चावल के मुकाबले लगभग सभी पोषक तत्वों से युक्त होते हैं और इनसे मधुमेह है, हृदय रोग है, कैंसर, पथरी, मोटापे आदि को नियंत्रित करने के औषधि गुण इसमें विद्यमान है। तो निश्चित रूप से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उन्होंने किसानों की आय को दुगना करने के लिए, किसानों के जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे निर्णय लिए हैं और उनका यह सपना है कि हमारा किसान आत्मनिर्भर होना चाहिए, उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होना चाहिए। एक जमाना था, अभी उनियाल जी ने सारी बातें यहां पर बहुत विस्तार से बताई, मैं इतना ही कह सकता हूं कि अब ज्ञान बढ़ा है, विज्ञान आगे बढ़ा है। कृषि भी पहले क्या था कि एक सामान्य रूप से की जाने वाली थी कि ये धान बोया, गेहूं बोया, एक फसल के बाद दूसरी फसल बना दी, दूसरी फसल के बाद दूसरी आ गई, उसमें कोई वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग नहीं किया। आज हमने जो है ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में हमारे कर्नाटक के यहां बैठे हैं, कृषि विश्वविद्यालय के, हमारा पंतनगर का कृषि विश्वविद्यालय है, पंतनगर का है, वहां का है, भरसार का है, जगह जगह पर नए नए अनुसंधान यहां भी हो रहे हैं और देश दुनिया के जो अनुसंधान हो रहे हैं उसको अपनाकर हम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज बहुत सारे क्षेत्रों में अभी हमको औद्योगिकी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में भारत सरकार ने भी लगातार प्रोत्साहित करने का काम किया है और कृषि के क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में जितनी तेजी से काम हुआ है